ऐसा कुछ नहीं, बात हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है, केस चला था ना, एक मिनट कांग्रेस ने बनवा दिया, बात बनवाने के लिए बात है, केस चला था ना, केस चलता रहा था ना हर किसी की सरकार में, इसमें एक मिनट आपका कोई केस चल रहा है, एक मिनट आदित्यनाथ और मोदी जी ने अपने दम पे बनवाया, ठीक है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर आपका कोई केस है, ठीक है, अगर कोई जज है उसने कोई पास दिया, कोई आ गया उसने पास कर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपका केस नहीं लड़ा, ठीक है ना, ये नहीं है कि इसकी सरकार आ गया तो इसने कुछ कर दिया, वो पहले से चला है, सॉल्यूशन हर चीज का होता है भाई, टाइम लगता है। नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। आप सबको मेरे चैनल की तरफ से, मेरी पूरा इंडिया फायर की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो। आज हम आए हैं आनंद विहार। आनंद विहार में जो लोग हैं, खास करके जो ऑटो ड्राइवर है, हम उन लोगों से भी जानने के लिए आए हैं और आम लोगों से भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है और अगला जो विधानसभा होने वाले हैं उसमें दिल्ली का सीएम किसको बना रहे हैं। आइए हम ऑटो वाले से बातचीत करते हैं, भैया लोगों से कि इनका क्या कहना है। भैया, ऑटो आपका ही है? ये हमारा नहीं है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप? किसको बनाएंगे अगला मुख्यमंत्री? ओला मंत्री बनाएंगे उसको, केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों? केजरीवाल को केजरीवाल बनेंगे जी? क्यों बनेगा भैया? काम कर रहे हैं उसी को तो बनाएंगे। काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, काम हो रहा है। आप भैया किसको बनाएंगे दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किसको बनाए? जिसको सीट मिल जाए वही राजा बन जा। मजदूर आदमी को तो कमा के खाना, जैसा वो चलाए जैसा चलाए। आप किसको बनाएंगे? बीजेपी को। हम तो बीजेपी को बनाएंगे। बीजेपी को बनाएंगे। बीजेपी को क्यों बनाएंगे? वो अच्छे काम कर रहा है। अच्छे कामों में क्या क्या हो रहा है? देश के अच्छे काम कर रहा है वो। क्या काम कर रहा है? अच्छा काम जो है बीजेपी जो है देश के लिए अच्छा काम कर रही है। कौन सा काम अच्छा नहीं किया अब तक? जो है सियासत की रोटी सेक रहे हैं और बिजली पानी फ्लैश फ्री ले लो, फ्री लेकिन किसका पैसा? जनता फ्री नहीं दे के जहाज खरीदना चाहिए था क्या? नहीं, जनता का पैसा कोई काम करे ना, फ्री क्यों दे रहा? फ्री जो जनता का पैसा, फ्री काम लोगों का दोस्त लुटा रहे हैं, फ्री क्यों लुटा रहे हैं? तो यही मैं कह रही हूँ, डेवलपमेंट करे ना, डेवलपमेंट करे ना, लुटा के हवाई जहाज खरीदना चाहिए था क्या? नहीं, हवाई जहाज नहीं, गुजरात मुख्यमंत्री ने खरीदा, हवाई जहाज खरीदा तो देश के लिए खरीदा ना, देश के लिए खरीदा, खुद अपने पर्सनल यूज के लिए। कौन सा पर्सनल यूज खरीदा बताइए तो सही, कौन सा यूज खरीदा मैम बताइए तो हमें? पर्सनल यूज कर ले रहे हैं? नहीं खरीदे हैं। पैसा किसका है? रफाल खरीदे हैं, रफाल खरीदे हैं। भैया अच्छी जानकारी रखिए, उसके बाद बात करें। आप बताइए भैया। हमने तो बोल दिया, हम तो बीजेपी को बनाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, काम बताइए ना भैया, काम बताइए आप। आपको काम क्या बताए? अच्छा नहीं है। कौन सा काम बीजेपी का अच्छा नहीं है? कौन सा काम अच्छा? पहला काम तो ये के हिंदुस्तान का फौजी पाकिस्तान से वापसी आया, और दूसरा काम फौजियों में फौजी भैया, हमारी इंडियन फौजी पहले से मजबूत है सर? नहीं है मजबूत पहले से। इनका कहना है कि इंडियन जो फौजी है, जो आर्मी है, पहले मजबूत नहीं थे, अगर मजबूत अभी मजबूत है, मजबूत अभी मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, पहले मजबूत नहीं थे, पहले इतना मजबूत सर ने बताया कुछ नहीं था, धोखा था। कांग्रेस के टाइम पर धारा 370 नहीं हटी थी, ठीक है जी, वो भी हट गई, ठीक है जी, और पहले राम मंदिर का फैसला, उससे आम लोगों को क्या भला हुआ सर? बहुत कुछ भला हुआ, इसी खत्म हुआ, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हुआ। झगड़ा खत्म हो गया तो अभी सीए क्यों लेके आ गए? सीए इसलिए लेके आए हैं, सीए नहीं लेके आए हैं, सीए लेके आए हैं, अभी सीए नहीं लाया है, तो सीए आया कि जो बाहर से प्रताड़ित जो हमारे हिंदू, जो हमारे हिंदू, जो हिंदू भाई बांग्लादेश में, अफगान में, पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके आधा संख्या रह गई, 3% रह गई, अभी तो नागरिकता दे दो शरण लेके। कांग्रेस के टाइम पर सरबजीत पाकिस्तान में मारा गया, ठीक है, और 48 घंटे में हमारा वो जो पायलट था अभिनंदन, भैया एक बात बताइए, आपने बोला पाकिस्तान में मारा गया, तो पुलवामा जो हमला हुआ था उसमें कहां पर मरे थे? इंडिया में ही मरे, अभी तक पता चला, उससे पहले भी मरे, बॉर्डर पर आए दिन मरते रहते सैनिक, बताओ अभी आपको हाल फिलहाल में पता लगा कि वहाँ शहीद हो गए सैनिक? पहले कितने लोग सैनिक होते? आप कह रहे हैं कि जैसे सर ने भी अभी बताया कि पाकिस्तान से आ गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे इंडिया के अंदर जो इतना सैनिक मर गए हैं उसका अभी तक क्यों पता नहीं लगा पाया? मैडम राष्ट्र पूरे वर्ल्ड का ट्रंप, अमेरिका का ट्रंप मोदी की कॉपी करता है, मोदी की कॉपी करता है, घर की बात करिए,
घर की नहीं, मोदी जी की कॉपी बाहर कंट्री में हो रही है, इंडिया को तो छोड़ो आप, बाहर के वर्ल्ड स्तर पर मोदी जी की कॉपी होती है। इंडिया से अभी अभी क्या अभी बुराई नहीं हो रहे हैं जी, किस चीज पर बुराई हो रहा है बताओ, किस चीज पर बुराई हो रहा है बताओ भैया, सीए के लिए कौन, जो मैडम जो हमारे घर का है ही नहीं, हमारे घर पे अगर कब्जा जमा रहा है उसको हम अपने घर में रहने दें। कहने का मतलब है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, किसका नहीं पता सीए का। मैडम आधे लोगों जो धरना प्रदर्शन किए उनको आधा नहीं मालूम था कि ये जो है कि सीए आया है या एससीए एनआरसी आया है, उनको कुछ भी नहीं पता था। आपके न्यूज वालों ने ही रिपोर्ट किया है, आप न्यूज में देखिए, आपके न्यूज वालों ने ही रिपोर्ट किया उनको, हमको तो धरने में ले आया गया है, हमको तो धरने में न्यूज वालों ने दिखाया है, आपके न्यूज वालों ने ताली बजा बजा के क्यों बोलते हैं कि न्यूज वालों को बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कौन ताली बजा के कह रहा है? नहीं देखा, नहीं 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 जी, हम तो नहीं देखा, नहीं देखा तो नहीं है भैया, पूरा जानकारी नहीं रखते हो ना, जानकारी जो रखते हो बता रहे ना, जानकारी नहीं, जो जानकारी लग रहे हैं वो बता रहे ना, और आधा अधूरा बात कर रहे हैं, जो जानते हो बता रहे, आधा अधूरा बात मत करा करें भैया। कश्मीर में आजकल पर्यटक बिल्कुल बेझिझक होकर के घूमने जा सकते हैं, पहले नहीं जाते मैडम, पहले नहीं जाते थे मैडम, पहले कश्मीर के नाम से लोग जाते ही नहीं थे घूमने, कश्मीर ऐसी सुना सुना पड़ा रहता था, पहले सुना सुना पड़ा, हाँ जी, और अब दुनिया सारी घूमने जा रही है क्योंकि अब डर नहीं है, सबको डर नहीं है, आरडीएक्स कहाँ से आ गए वो तो पता लगाइए भैया, मैडम ये लोग इससे पहले कभी हमले नहीं हुए, कभी हमले नहीं हुए, हमारे सैनिक जब मर रहे हैं तो उसमें आवाज कौन उठाएगा भैया, आरडीएक्स कहाँ से आए कौन पता लगाएंगे? मैडम मोदी सरकार के आते सारे सैनिकों का रहन सहन बदल गया, बुलेट प्रूफ जैकेटें मिलने स्टार्ट हो गई, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी मैडम भैया, पहले थी नहीं भैया, क्यों छत्तीसगढ़ में सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं मैडम, हो रहा है आपस में इतना, अच्छा खाना क्यों नहीं मिल रहा भैया? मिल रहा है मैडम, जाकर पूछो, आप गए हो कभी, आपने आर्मी का खाना खाया कभी, टेस्ट किया आपने? आर्मी का खाना हमें खाने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की जरूरत, मैंने टेस्ट किया अच्छा था भैया, मैंने टेस्ट किया, बीएसएफ मैंने टेस्ट किया अच्छा किया, बीएसएफ का खुद जवान, बीएसएफ का जवान खुद बता रहे हैं जी, बीएसएफ का जवान खुद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोगों, वीडियो नहीं देखते लग? देखता हूँ मैम, न्यूज देखता हूँ, घर पे पेपर आता है, रोजाना पेपर पढ़ता हूँ मैं, तो फिर आपको कैसे आप नहीं देखते? आपने कभी खाया खाना भैया? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने खाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने खाया कभी खाना? मैंने मिलिट्री का खाना खाया, अच्छा होता है मैडम, लेकिन मेरे भाई लोग खाते हैं भैया, ठीक है, मेरे भाई लोग खाते हैं, मेरे घर का खुद का मिलिट्री में मैम, मैंने खाया, मेरे भाई लोग खाते हैं तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, तो वीडियो वायरल क्यों कर रहे हैं वो लोग? मैडम जो वायरल कर अच्छा मिल रहा है तो फिर क्यों वायरल कर रहे हैं? हमारे सैनिक कैसे मरे? आरडीएक्स कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया भैया? आरडीएक्स कहाँ से आ गए बताइए ना? तो मैडम आज से पहले कभी आरडीएक्स ये जो पुलवामा कैसे मजबूत हो गया? हमारे सैनिक हमला भी हुआ था, सैनिक हमला भी हुआ था, सैनिक मर जाए तो उसमें आप लोगों कुछ नहीं बोले? एक बात बताओ मेरे को, कभी मोदी जी से पहले कभी पुलवामा में हमला जो हुआ था कौन मरे थे? कौन मरे थे? सैनिक मरे थे, हमला तो अरे तो धोखे में तो कोई भी मार सकता है, धोखे में तो कोई भी मार सकता है, धोखे से मार दिखाया हमारे हाथ, हमने हवा लगा, हमारे सैनिक पहले भी मजबूत थे अभी भी मजबूत है, पहले भी सैनिक मजबूत थे अभी भी मजबूत है, आप कैसे बोल सकते हैं? पहले हाथ बंधे हुए थे, पहले हमारे सैनिक कारगिल का युद्ध किसने लड़ा था? खुले हुए फुटबॉल बना के कारगिल का युद्ध पाकिस्तान में, कौन लड़ा था कारगिल का आप बताइए? हमारे सैनिक लड़े थे, कांग्रेस के जमाने में सैनिकों के हाथ बंधे हुए, पहले ये युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, किसने कैसे जीते थे भैया? कैसे जीते? मोदी जी तो अभी आए हैं, मोदी जी अटल जी आए थे, सेना पहले मजबूत थे अभी भी मजबूत है, अटल जी थे, अटल जी थे, घुस के मारे थे, दौड़ा के घुस के मारे थे, हमारे घुस बैठे किए तो घुस के मारे थे, सुना लो मैडम, मोदी जी ने वर्ल्ड स्तर पर ऐसा नाम कमाया इंडिया के लिए, नाम कमाने से पेट भर जाएगा क्या? इजराइल से लेजर, लेजर मोटर की लेजर, लेजर सप्लाई इसराइल से मोदी जी ने आज से पहले आई है भैया, नाम कमाने से पेट भर जाएगा क्या? इसराइल से हमने लेजर सिक्योरिटी लिए बॉर्डर पे जो होती है लेजर सिक्योरिटी भैया, इंडिया ने मोदी जी के राज में लिए, मोदी जी के राज में ना किसान भी मरे हैं, मोदी जी के राज में 200 पहले नहीं मरे, पहले फांसी लगाते थे किसान, अभी लगाते किसान फांसी, यानी कि मरते रहे नहीं मर रहा मैडम, कोई किसान नहीं मर रहा, आप मोदी के खिलाफ में आए हैं क्या भैया? हम सच्चाई के सच्चाई को जानने मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है मोदी, हम सच्चाई को जानने, अरे एक मिनट देखो जन, देखो भैया आपको एक बात बताओ, हम किसी सरकार के खिलाफ या उसके ऑपोजिट में नहीं है, जो सच्चाई है हम जनता से जानने के लिए, सच्चाई जानना चाहते हैं मैम, सच्चाई जानने के लिए, अरे मोदी या केजरीवाल,
मोदी या केजरीवाल हो सकता है? आप लोग मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का? हम लोग नहीं करते मैडम, यहाँ की हिंदुस्तान की हर जनता करती है। अगर जनता नहीं करती तो पूरे बहुमत से पूरे इंडिया में मोदी सरकार नहीं होती, ठीक है ना? इसी वजह से सरकार, अभी चुनाव हुए वहाँ क्यों नहीं जीता मुझे बताओ? कहाँ पे अभी चुनाव हुए? तो रिजल्ट आया था झारखंड का, वहाँ मोदी की सरकार नहीं बनी। एक मिनट, वहाँ का रिजल्ट बताओ मुझे, क्यों नहीं बनी बहुमत? क्यों नहीं बनी? इतना सवाल है मेरा, इतना जवाब दे दो। देखो जी, हर जगह आपने भी बोला, आपने भी नहीं बोला, पूरी बहुमत से मोदी की हर जगह सरकार बन रही है, ये क्यों नहीं बनी? सर मेरी बात सुनो, आप देखो कहीं ना कहीं रह जाता है हर कोई, पूरा सोम में जो सोमवार कोई नहीं रह नहीं जाता, हर जगह की हर तरह के लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हो, मैं किसी और को करूंगा, ये किसी और करूंगे, बट आपको जो अच्छा लगेगा आप उसके बारे में बोलोगे, मेरे को जो अच्छा लगेगा उसके बारे में, बट वो नहीं है। आप जो देख रहे हो वो काम देखो, ये नहीं है कि मोदी को हर कोई सपोर्ट कर रहा था, हम भी मोदी को कर रहे हैं या मैं कांग्रेस कर रहा हूँ या किसी और को, जो काम करेगा जो जनता के लिए काम करेगा। तो ये मत बोलो ना कि मोदी जो काम है, नहीं भाई चौकीदार काम कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा सर, उसका काम है बस जाना मजे कर। इतने टाइम से सरकार आई, राम मंदिर नहीं बना, मोदी यहाँ बन गया ना, बना कहाँ है? वो नहीं है कि बना नहीं है, ऐसा बात हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है, केस चला था ना, एक मिनट कांग्रेस ने बनवा दिया, बात बनाने के लिए बात है, केस चलता रहा था ना हर किसी की सरकार में, इसमें एक मिनट आपका कोई केस चल रहा है, एक मिनट मैम, मोदी जी ने अपने दम पे बनवाया, ठीक है? मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर आपका कोई केस है, ठीक है, अगर कोई जज है उसने कोई पास दिया, कोई आ गया उसने पास कर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपका केस नहीं लड़ा, ठीक है ना? ये नहीं है कि इसकी सरकार आ गया तो इसने कुछ कर दिया, वो पहले से चला है। सॉल्यूशन हर चीज का होता है भाई, टाइम लगता है, ठीक है ना? बस एक बात होती है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बात सुन के जहाँ सॉल्यूशन मिल जाए ना, लोग उसका गुणगान करते हैं, पहले का नहीं, ध्यान रखो, किसी का बस की नहीं है भाई। आप जो कह रहे हो ना, आपने ये बात बोली कि किसी भी सरकार में, आपने ये बोली है कि मोदी सरकार में ये मंदिर बनवाया है। एक मिनट भाई बोलो, देखो आप ये बता दो 370 किसने लगाया था? मैं क्या कह रहा हूं, किसने लगाया था? अरे 70 नहीं, किसने लगाया था ये बता दो, किसने लगाया? आपको भी पता है, मुझे पता है किसने लगाया, किसने लगाया? 370 जो है 75 साल हो गए, मैं क्या कह रहा हूँ उसके पास 370 क्यों लगाया गया? एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, किसने लगाया 370? मैडम ये बताओ आप, 370 किसने लगाया और क्यों लगाया और अब तक क्यों नहीं हटा? कांग्रेस ने लगा तो बीजेपी ने हटाया ना, इससे पहले क्यों नहीं हटाया गया? आप बता दो, लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस वालों ने ही, आपका जो प्रधानमंत्री जो है पंडित नेहरू, उन्होंने ही हरी सिंह को जो है कंप्रोमाइज करके दिया था 370 उन्होंने लागू करी, अब तक क्यों नहीं हटाया उन्होंने? केजरीवाल जी आज से 3-4 महीने पहले से ये कहते रहे कि मोदी काम करने नहीं देता, आज क्यों काम करने दे रहा है? आज काम क्यों कर रहा है केजरीवाल? केजरीवाल झूठा आदमी है। आप मानते हैं, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल, आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी का आप लोग सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, केजरीवाल आप बुराई कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, उनके पक्ष विपक्ष में बात रख सकते हैं, ठीक है, किसी का भी सपोर्ट करते हो, बट काम के ऊपर वोट मांगा जाए तो हम काम पूछने के लिए आप लोग, यानी कि आप पीएम बनाना चाहते हैं मोदी जी को? अरे मोदी नहीं, सब पीएम तो है, सब कुछ बनेंगे उनके पार्टी का, सब कुछ बनेगा सीएम बना देंगे आप उनको? अरे उनको सीएम नहीं बनाएंगे, उनके पार्टी को सीएम बनाएंगे, उनको बनाएंगे, इनको बनाएंगे, मनोज तिवारी को क्यों बनाएंगे? बोल रहे थे पहले कि मनोज तिवारी बनेगा, 2 घंटे के बाद फिर क्यों उनको, उनका चेहरा से केजरीवाल के चेहरा से झड़ जाए? हो सकता है बीजेपी में कोई और चेहरा आ जाए, किरण बेदी आ जाए, हो सकता है किरण बेदी आ जाए, इसी वजह से हटा लिया है, हो सकता है
इसलिए हो रहा है। आप लोग सब यानी कि बीजेपी का सरकार चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहते हैं, केजरीवाल का नहीं। अभी नया फ्री का नहीं चाहिए मुझे, मुझे पैसे अपने कमाए का चाहिए। नहीं फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन मिनिस्टर हवाई जहाज खरीद ले वो चाहिए। मोदी नंबर वन, घर घर मोदी, नंबर वन मोदी, आगे कोई लफ्ज नहीं है। मोदी हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी। मैडम मेरी बात सुनो, इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा ये ऐसी बात है। हम कोई कटिंग नहीं करते, हमारी चैनल आप देख सकते हैं, कटिंग नहीं करते। हम कामों में इस बार वोट मांगा जा रहा है हर एक, इसलिए हम चाहते कि काम गिनवा दिए। पाँच साल में काम कुछ नहीं हुआ, पाँच साल में काम कुछ नहीं हुआ, क्या होता था? मुझे एलजी करने नहीं दे रहा, मुझे पारित करने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। क्या बात है, आप लोग जानकारी अच्छे से रखते हैं। मुझे करने नहीं दिया, सुनिए आप कहाँ रहती है? मुझे रहने से नहीं, आप कहाँ रहते हैं बताओ? दिल्ली में आप दिल्ली रहने से आपका क्या मतलब? आप दिल्ली में रहती हैं, बताइए। जब से केजरीवाल ने पानी फ्री करा है, आप कॉलोनी में जाकर देखो, कोठियों के अंदर में जाकर देखो, पानी सही आए या ना आए। पहले जब तक पानी के पैसे दे रहे थे, लोग बाग जो है बाल्टी और मग से गाड़ी को धो रहे थे। आज जो है मोटर लगा के जो पानी यूज करके टोटल वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, बिजली फ्री कर, ड्रिंक करने वाले कौन खड़े साइड हो जाइए, कौन है ड्रिंक करने वाले? दूसरी बात जो है, बिजली फ्री दी है, ठीक। आज हम जिस मकान में रह रहे हैं, हमारे मकान मालिक से जाकर पूछो, पहले जो था बिजली बिल फ्री होने से पहले केवल एक मीटर लगा हुआ था उन पे, ठीक, सब्सिडी वगैरह वगैरह हो रहा था। आज उन्होंने अपनी मिसेज के नाम से मीटर लगाया हुआ है, अपने बेटे के नाम से लगाया हुआ है, और आज जो अपने बहू के भी नाम से लगाया हुआ है। बिल्कुल, मकान में पाँच पाँच मीटर लगा हुआ है, ठीक। हम किराएदार हैं, हमारे लिए केजरीवाल ने फ्री करा है, भैया तुम जाओ एक मीटर लगाओ, मकान मालिक लगाने नहीं दे रहा, क्यों नहीं लगाने दे रहा? तो ये आपका आपकी जो ये बात है, आपका हक है ना, तो एक बात बताओ ना, एक मिनट, एक मिनट, तो अपना खाना अभी हमारी हमारी, आप उस सुविधा को कैसे लेते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। केजरीवाल नहीं आएगा आपके घर पर वो लगाने, हमारी बात खत्म नहीं हुई। अगर कोई नियम लागू हो रहा है तो आपके ऊपर है कि कैसे ये हमारी बात क्यों हुई, बात हो गई ना। आज जो मीटर चार चार पाँच पाँच एक एक मकान में लगाए हुए हैं, वो किस बेसिस पे लगा हुआ है? उन्होंने सिर्फ पैसे बचाने हैं। साल पुराना है अब, क्या केजरीवाल के कोई पास है एजेंडा कोई नया पब्लिक के लिए? क्या कह रहे हैं? पब्लिक के लिए कोई केजरीवाल के पास कोई नया एजेंडा है? किसके पास? केजरीवाल के पास। वो तो जनता बताएंगे ना, जनता को तो दिखाई रहे हैं दोनों सर, जो सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अपना सारी बातें सब लोगों के सामने रख तो रहे हैं भैया। तो ये तो पाँच साल काम हो रहा है, क्या क्या काम हुआ पाँच साल में? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं भैया। नाले सारे सीवर बंद है।